ट्रैक्टर का चक्का निकल जाने से विश्राम गृह संगड़ा के समीप लगा आधा घंटा जाम। जिला सिरमौर के उपमंडल मुख्यालय संगड़ा के विश्राम गृह के समीप एक ट्रैक्टर का चक्का अथवा टायर निकल जाने के चलते यहां पिछले आधे घंटे से जाम लगा हुआ है। इस तरह 1:15 का वक्त हुआ है और सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। तो इस तरह दो बसें भी सामने दिख रही है जो जाम में फंसी है। हालांकि यात्री पैदल ही बस अड्डे की तरफ निकल रहे हैं। थाना प्रभारी संगड़ा मेहरचंद के अनुसार उन्हें इस बारे सूचना नहीं मिली थी और जल्द पुलिस कर्मियों को हालत का जायजा लेने के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं जाम के चलते यात्री पैदल निकल रहे हैं यहाँ से और दोनों तरफ को 4 बसें अभी जाम में फंसी है और यहाँ कुछ और वक्त भी लग सकता है और पुलिस का पहुंचना अभी शेष है घटनास्थल पर। अभी जाम खुलने के बाद आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी लाइन यहाँ लगी है और इस तरह मुख्य बाजार में भी अब जाम जैसी स्थिति देखी जा रही है। छह माह से संगड़ाह में धूल फाक रहे हैं उठाऊ पेयजल योजना हरिपुरधार के पंप। बारिश में खुले आसमान के नीचे रखी गई है लाखों की मशीनरी। नागरिक उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार के लिए करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना के पंप संगड़ाह में पिछले 6 माह से धूल फाक रहे हैं। बारिश में खुले आसमान के नीचे रखे गए उप पंपों को जंग लगने की भी संभावना है। हालांकि विभाग के अधिशासी अभियंता के अनुसार ये पंप सील्ड है और अभी गारंटी पीरियड में चले हैं।